गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हमारी जो लास्ट हिंदी ग्रामर की लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था जो था चित्र वर्णन के बारे में, है ना। हमने दो चैप्टर पढ़े थे इसमें, एक तो हमने 14 पढ़ा था, एक आगे का एक चैप्टर पढ़ा था हमने जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो चैप्टर नंबर 14 जो हमारा था वो चित्र वर्णन के बारे में था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें चित्र देखकर उसके बारे में कुछ बातें लिखनी होती है। चित्र वर्णन का अर्थ है कि चित्र को देखकर उसके बारे में बताना, इसके लिए हम चित्र देखकर उसके अंदर दर्शाई गई सभी बातों को लिखते हैं। हम चित्र देखते हैं और चित्र में जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसे ही कहते हैं चित्र वर्णन। ठीक है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखो हमने ये वाला पिक्चर देखा था, ये वाला चित्र हमने देखा था, तो इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहे थे, हमें काले काले बादल दिख रहे थे, हरे भरे पेड़ दिख रहे थे। ठीक है, हमें ये भी दिख रहा था कि कुछ जो आदमी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बारिश से बचने के लिए छाता यूज़ कर रहे हैं। एक लड़का है जो बारिश के पानी में बोट चला रहा है, नाव चला रहा है, ठीक है, नाव तैरा रहा है। एक बच्चा है जो बहुत ही खुश है, बारिश हो रही है, तो वही सारी बातें हमने यहाँ लिख दी थी कि बहुत काले काले बादल हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, एक लड़का खुशी से बारिश में नाच रहा है, एक लड़का बारिश के पानी में नाव तैरा रहा है। ठीक है, फिर बारिश से बचने के लिए लोग छाते का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखो ये लोग कर रहे हैं। बारिश के पानी से पेड़ हरे भरे हो गए हैं, तो ये देखो बारिश का पानी है और यहाँ पे देखो पेड़ कितने हरे भरे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने एक देख लिया था। तो आपको मैंने समझा दिया है कि चित्र वर्णन क्या होता है, किसे कहते हैं और किस तरह हम चित्र वर्णन करते हैं। हम पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखकर हमें पिक्चर में जो जो भी दिख रहा है, इस चित्र में हमें जो जो भी दिख रहा है, वो हम लोग यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एक्सरसाइज हम देखते हैं। ये रही बेटा इसकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें एक प्लेटफॉर्म की, एक रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म होता है उसका एक चित्र दिखा रखा है। ठीक है, और इस चित्र के बारे में बेटा आपको कहा गया था कि 10 वाक्य लिखो, पर मैंने उसको 10 की जगह क्या करवा दिया है, 5। तो अब आप लोगों को 10 वाक्य नहीं लिखना है, 5 वाक्य लिखना है, और ये वर्क मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है डू योर सेल्फ। यानी कि आप इस चित्र को देखेंगे और ये चित्र देखने पर आपको जो भी 5 चीज़ें दिख रही हैं वो 5 चीज़ों का वर्णन आप यहाँ पर करेंगे, वो 5 वाक्य आप यहाँ पर लिखेंगे। चलो एक पहला वाक्य मैं कर देती हूँ आपके लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यह चित्र, पहला वाक्य मैं यहाँ लिख रही हूँ, यह चित्र एक रेलवे स्टेशन का है। ठीक है, फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इस चित्र में प्लेटफॉर्म एक दिखाया गया है। ठीक है, लोग प्लेटफॉर्म एक पर खड़े हैं। ठीक है, दिखाया गया है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस चित्र में लोग प्लेटफॉर्म एक पर खड़े हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप जैसा आप क्लास में बता भी रहे थे ना कि एक बच्चा है जो जा रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हाथ में क्या ले रखा है, इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इस चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पर 5 वाक्य बनाएंगे। 2 वाक्य मैंने बना दिए, 3 आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको पूरा कीजिएगा। यह आपका होमवर्क है, यह आपको करना है बेटा। ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर आप इसे कंप्लीट कर लेना। फिर देखो ट्राई करना कि आप लोग खुद ही करो, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रहे तो आप पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। फिर देखो हमने पढ़ा था पार्ट 16 पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन यानी इंग्लिश में इसे हम लेटर राइटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको बहुत सारे पत्र बताए थे, लेकिन आपको लर्न कौन सा करना है, आपको लर्न करना है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, और यही प्रार्थना पत्र आपको कॉपी में करना है, बाकी नहीं करना है, सिर्फ एक यही करना है। तो देखो कैसे लिखोगे, अवकाश यानी छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, तो आपने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब देखो आप यहाँ पर अपनी स्कूल का नाम लिखोगे, अपने स्कूल का नाम और उसका एड्रेस, तो आप लिख दोगे
राजस्थान, चिल्ड्रेंस अकेडमी, ठीक है, और फिर आप यहाँ लिखोगे झोटवाड़ा, जयपुर, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना राजस्थान। फिर आप लिखोगे ये बेटा, ये आप काट के यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिखोगे। फिर है विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने निवेदन ये है कि कल शाम से ही मुझे तेज़ बुखार हो गया है, अतः मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। यानी कि इसलिए मैं, क्योंकि मुझे कल शाम से बुखार हो गया, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, यानी स्कूल नहीं आ पाऊँगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। फिर आप यहाँ पर डेट लिख दोगे, जैसे आज मान लो 10 है ना, तो आप यहाँ पे डेट लिख दोगे। फिर अगर आप लड़का हो तब तो आप शिष्य लिखोगे, और अगर आप लड़की हो तो आप शिष्या लिखोगे, ठीक है। अगर आप बॉय हो तब तो शिष्य लिखोगे खाली, और अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे आपकी शिष्या, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। फिर आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी कक्षा लिखेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही वाला प्रार्थना पत्र है जो करना है। किन किन बातों का ध्यान देना है, बाकी तो सब सेम है, बस आप अपनी स्कूल का नाम लिखना और अपनी स्कूल का एड्रेस लिखना। और यहाँ पर अगर आप लड़का हो तब तो आप लिखोगे आपका शिष्य, और अगर आप लड़की हो तो आप लोग लिखोगे आपकी शिष्या, फिर यहाँ पर नाम और कक्षा, ठीक है। तो ये वर्क आप कंप्लीट कर लेना। चित्र वर्णन दिया है मैंने आपको करने के लिए, और एक पाठ 16 का पत्र लेखन दिया है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये आपको होमवर्क अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।